अरे यू नो, दिल्ली में हर 14 मिनट में एक व्हीकल चोरी होता है और एक दिन में करीबन 105 गाड़ियां। एंड इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दिल्ली, गुड़गांव से हर रोज 10 गाड़ियां चोरी होती है और उनमें से सिर्फ एक ट्रेस हो पाती है। पर इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस गाड़ियों के बाद भी चोरियां कैसे? क्योंकि भाई जितनी एडवांस व्हीकल्स उतने एडवांस चोर। आप जीपीएस लगवाएंगे, वो जीपीएस जैमर्स लगा देगा। आप लोकल पुलिस से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, वो नंबर प्लेट टेम्पर कर देगा। एंड टू गो इवन अ स्टेप अहेड, वो चोरी करके व्हीकल को ओवरनाइट दूसरे स्टेट में ले जाएगा। और ये सब क्यों? स्टेटिस्टिक के हिसाब से तो व्हीकल ओनरशिप के साथ ही चोरियां भी बढ़ रही हैं, और इसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं। इकोनॉमिकल इनक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, मार्केट हाइक फॉर सेकेंड हैंड व्हीकल्स एंड व्हीकल पार्ट्स, और भी काफी सारे रीजंस। पर इसका सोल्यूशन क्या है? पुलिस की माने तो आप बिल्डिंग्स और कॉलोनीज के बाहर पार्क करने से बचे। हमारी माने तो पार्किंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी सिक्योर कर ले। दरअसल मोटर इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट की तरह है आपके और इंश्योरर के बीच। आप उन्हें प्रीमियम पे करेंगे और उसके बदले वो आपकी गाड़ी को एक्सीडेंटल डैमेज और चोरी जैसे लॉस होने पर आपको एक सेट अमाउंट का कंपनसेशन पे करेंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता पार्किंग और जीपीएस और सीसीटीवी के बाद भी गाड़ी चोरी हो गई, तो कम से कम आपके पास एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस तो होगा। अभी थेफ्ट इंश्योरेंस क्लेम होगा कैसे, वो भी बताती हूँ। जैसे ही गाड़ी चोरी होने की खबर हो, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इंश्योरर को कॉल करके सारी कहानी और कहानी की स्क्रिप्ट यानी डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। कौन से डॉक्यूमेंट्स है लीजिए, नोट करिए। कॉपी ऑफ ओरिजिनल एफआईआर, कॉपी ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म, गाड़ी की ओरिजिनल चाबियां, आमतौर पर दो चाबियां होती है, दोनों सबमिट करें। और अगर दूसरी चाबी नहीं मिल रही तो उसकी एफआईआर रजिस्टर करवा के उस एफआईआर की कॉपी शेयर करें। कॉपी ऑफ आरसी, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस एंड टैक्स सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल या आपके पैन कार्ड की कॉपी, आपके नाम पर लिखा गया एक कैंसिल चेक। बस इसके बाद होगी इन्वेस्टिगेशन शुरू। इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे फॉर्म 28, 29, 30 and 35, रिसीव्ड एंड साइन फ्रॉम आरटीओ, लेटर ऑफ सबरोगेशन, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, एक्सट्रैक्ट ऑफ आरसी विद द रिमार्क्स स्टोलन, अ कॉपी ऑफ लेटर जो एनसीआरबी को चोरी के बारे में बता रहा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंफर्म करेगा कि चोरी सच में हुई है या नहीं। इस इन्वेस्टिगेशन को चलते हुए ध्यान रखें कि आरटीओ को भी चोरी के बारे में बता दे और व्हीकल की ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दे। अब जब एफआईआर हुई तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर पुलिस को 30 से 90 दिन के अंदर गाड़ी नहीं मिली तो वो एक रिपोर्ट जारी करेंगे, मेंशनिंग दैट द व्हीकल इज अनट्रेसेबल। जैसे ही रिपोर्ट इंश्योरर के पास पहुंचाएंगे, वो आपका क्लेम प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके और ये पक्का करके कि ये क्लेम पास करने लायक है या नहीं, इंश्योरर आपको इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कंपनसेट कर देंगे, यानी वो अमाउंट जो उन्होंने पॉलिसी देते टाइम बताया था, पर कंपल्सरी डिडक्टेबल्स हटा के। ये कंपल्सरी डिडक्टेबल्स वो होते हैं जो आपको इंश्योरर को पे करने होते हैं क्लेम डिसबर्स होने से पहले। इसके अलावा एक और ट्विस्ट है, ये क्लेम आप तक सिर्फ तब पहुंचेगा अगर आपकी गाड़ी लोन पर है और लोन पूरा पे हो चुका है और इसका प्रूफ आप इंश्योरर को दे चुके हैं। अगर लोन अब भी बाकी है तो इंश्योरर पहले उस लोन लेंडर को पैसे चुकाएगी और जो बचेगा वो आपके हाथ आएगा। ये सारी क्लेम प्रोसेस को करीबन 1 से 3 महीना लग सकता है। यू नो, वेरिफिकेशन, गेटिंग थिंग्स डॉक्यूमेंटेड एंड इन्वेस्टिगेटिंग अ क्लेम टेक्स टाइम। माना थोड़ा लेंथी है ये प्रोसेस, बट जरूरी भी है ना। चोरी में गाड़ी से अटैच्ड इमोशंस और उससे कॉस्ट इनकन्वीनियंसेस को तो कुछ कंपनसेट नहीं कर सकता, बट अ राइट एंड बीफिटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी कैन लेसन द फाइनेंशियल स्ट्रेन सच एन एक्सीडेंट कैन पुट ऑन यू। ऑल्सो सही इंश्योरेंस पार्टनर के साथ सही प्लान ढूंढने से लेकर इंश्योरेंस क्लेम करने तक सब कुछ आसान हो जाता है। मेरी मत मानो, खुद ट्राई करके देखो। गेट कनेक्टेड विद एसएमसी इंश्योरेंस टुडे, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लो।